अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक स्किल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग बताऊंगा कि आप एटीएम मशीन जो है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जो टिप्स है वो तो ये है कि आपने यहाँ पर जो है लॉकर होगा, इसको लॉक कर देना है इस तरह, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पर देख लेना कोई और कैमरा तो नहीं लगा हुआ, एक कैमरा तो एटीएम मशीन का होगा, उसके अलावा आपने देख लेना कोई कैमरा तो जो है वो एटीएम मशीन के अंदर नहीं लगा हुआ है। और दूसरी टिप जो है वो ये है कि यहाँ पर जो ये एटीएम कार्ड वाली जगह है, इस पर एक मशीन लगा लेते हैं जिससे आपका कार्ड का जो डाटा है वो ले लेते हैं चोर जो हैं। एक माफिया है वो जो यहाँ पर ये आपका एक डिवाइस ही लगी होती है जिससे आपका जो डाटा है वो ले लेते हैं। और यहाँ पर जो है एक कैमरा सा लगा होता है जिससे आपका जो एटीएम की पिन है वो चोरी हो जाती है। तो आपने देख लेना यहाँ पर कोई कैमरा शैमरा या यहाँ पर कोई डिवाइस जो है वो नहीं लगी हुई। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एटीएम मशीन कैसे यूज़ करनी है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मेरे पास कार्ड है इसके ऊपर यहाँ पर जो ये ऊपर एरो का निशान बना है, ये वाली साइड आपने इस तरह करके एटीएम मशीन में डाल लेनी है, ठीक हो गया। एटीएम मशीन में आपने अपना कार्ड डालना है। कार्ड डालने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है कि लैंग्वेज जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है, मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने पिन लिख लेनी है, ठीक हो गया। तो मैं पिन लिख लेता हूँ अपनी। पिन लिखने के बाद अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों को जो मेन मसला आता है वो ये आता है कि बटन्स का आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार बटन ये लगे हुए हैं और चार ये लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जितने ऑप्शन आएंगे, जो सा ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है उसके सामने वाला जो बटन होगा वो आपने उसके दबा लेना है। जैसे यहाँ पर मेरा ये सेविंग अकाउंट है तो मैं ये सेविंग पर जो है ये सामने जो इसका बटन ये दबा देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं कौन सी अमाउंट आपने निकालनी है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर ज़्यादा का अमाउंट निकालनी है तो उसके लिए अदर अमाउंट का ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं अदर अमाउंट का ऑप्शन को जो बटन है इसको ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने देख लेना है जितनी अमाउंट निकालनी है वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये इतनी भी नहीं है तो आपने अदर अमाउंट पर क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पर एक और आप लोगों को टिप बताता चलूँ कि एटीएम मशीन से एक टाइम में जो है 20,000 रुपये जो आप निकाल सकते हैं। तो 20,000 से ज़्यादा एक टाइम में नहीं निकाल सकते, आपको दोबारा कार्ड निकालना पड़ेगा और फिर डाल के आप दोबारा जो है 20,000 जितने भी निकालें वो निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने अमाउंट लिख लेनी जितनी आपने निकालनी है, तो मैं 1,000 रुपये निकाल लेता हूँ। ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट होती है, ये 0,0 नहीं है, ये वाली अमाउंट है। अच्छा, इस तरह आपने अमाउंट लिख लेनी जितनी आपने निकाल ली है और उसके बाद आपने ओके पर क्लिक कर देना है। और फिर आपने यहाँ पर दोबारा कौन सा अकाउंट है वो सेलेक्ट कर लेना, हमारा सेविंग अकाउंट है, मैं सेविंग अकाउंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये वेट कब बोल रहे हैं, तो ये कार्ड निकल आएगा, आपने ये कार्ड यहाँ से ले लेना है। और आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं ये पैसे आगे पैसे आपने ले लेना। और यहाँ पर जो रसीद आती है, अगर इसके अंदर ये कागज़ मौजूद हो तो आप देख सकते हैं ये रसीद जो है वो भी आ गई है। तो इस तरह आप एटीएम कार्ड को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ वाले बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।